जय हिंद प्यारे दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं आईपीसी सेक्शन 491 आईपीसी 491 में। उसका संक्षिप्त में हम आपको बताएंगे एसआई व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की सुविधा का भंग करना। जो पहले से ही एसआई है उसकी परिचर्या मतलब दैनिक जो काम है उसके और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की सुविधा को भंग कर देना, उसमें आरोपित किया जाएगा। आईपीसी 491 के संदर्भ में हम शॉर्ट में बता देते हैं, आईपीसी 491 के अकॉर्डिंग कोई ऐसे व्यक्ति की जो किशोरावस्था या चित्त विकृत या रोग, शारीरिक दुर्बलता या मतलब जो है उसको क्या बोलेंगे, विकलांग शब्द को भी सरकार ने हटा दिया है, तो उस विकलांग शब्द की जगह पे नया शब्द दिव्यांग अगर कोई व्यक्ति है उसकी दुर्बलता के ऐसा है, निजी क्षेम की व्यवस्था है, निजी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए असमर्थ है, वो अपना खुद का काम नहीं कर सकता है, परिचर्या करने के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विधि पूर्ण संविदा द्वारा आबद्ध होते हुए स्वेच्छा ऐसा करने का लोभ करेगा, वह दोनों में से किसी की भांति कारावास से दंडित किया जाएगा या जुर्माने से अवधि 3 वर्ष 3 मास तक की सजा हो सकेगी या जुर्माने से या 200 रुपये से हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। इसमें ऑफेंस क्या रहेगा वो भी हम थोड़ा सा झलक दे देते हैं आपको। पर भाग लेने के लिए बाध्य किया जाएगा एक व्यक्ति जो युवा उम्र से ऐसा है कि चाहत की आपूर्ति मन या रोग की अस्वस्थता और स्वस्थता से ऐसा करने के लिए लोभ करेगा, मतलब जानबूझकर के आनाकानी करेगा, बहाना बनाएगा उसकी सेवा आपूर्ति के लिए जो दिव्यांग व्यक्ति है। इसमें 3 महीने की सजा या जुर्माना के दोनों से गैर संगीय अपराध और जमानत के कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा ये विचारणीय है। तो प्यारे दोस्तों, हम चाहते हैं हमारे वीडियो आप देखिए, कोई इश्यू तो हमें बताइए, हम उसको तुरंत रिमूव कर देंगे। और अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर सब्सक्राइब लाइक अवश्य करते रहिए और हमारे चैनल को ऐसे ही आप देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।